तो अभी ऊपर के फ्लोर और नीचे की भी ऑलमोस्ट होने तो अभी सब काम कर लिया है। आरती की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है क्या? झिंगी बाहर से ये बैक हो गया है फाइनली। देखो सनी भी कर दिए बहुत ही मस्त बनी है मम्मी मैंने आपके जैसे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर ब्लॉग। तो अभी आज तो मम्मी है नहीं, तो पापा का नाश्ता और मेरा मिल्क खुद ही बनाना पड़ेगा आज तो इसलिए मेरा मसाला मिल्क हो रहा है और पापा के लिए भाखरी का डो तैयार है, लेकिन अभी पापा आए नहीं है, अभी आने ही वाले होंगे। तब उस अभी पापा आए नहीं है तो फटाफट से कचरा भी निकाल देते हुए देखो। और आज मैं अपने मंदिर के ठाकुर जी के साथ आपको दर्शन करवाती हूँ अभी। तो अभी ऊपर के फ्लोर और नीचे के फ्लोर का दोनों का काम फिनिश हो गया है, 11 बज चुके हैं और अभी माखन भी उतारना है हमें। तो ये भी रेडी है माखन उतारने के लिए, बिकॉज अभी फ्रिज में रखा था तो ठंडा ही माखन नहीं उतरेगा, तो इसलिए थोड़ा सा गर्म होने दिया वैसे फ्रेश एयर से। अभी माखन उतारूंगी, आपको दिखाती हूँ। अभी को थोड़ा थोड़ा माखन आने लगा है ऊपर। तो अभी इतनी छास बनी और इतना माखन, थोड़ा मेरे लिए भी निकाल दूंगी बिकॉज आज मुझे भी थोड़ा खाने की इच्छा हो रही है माखन की, तो मैं भी अपने लिए थोड़ा सा तो घी मैंने चढ़ा दिया है गैस पर, थोड़ा सा हो भी गया है। तो आज मैं बैंगन और पोटैटो की सब्जी बनाने वाली हूँ। पापा को भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अभी बैंगन और पोटैटो था तो बना देती हूँ, क्योंकि पापा अकेले ही खाएंगे, मुझे तो अच्छा नहीं लगता ये बैंगन और पोटैटो, सिर्फ पोटैटो ही अच्छा लगता है। अभी देखते हैं, ज़्यादा होगी तो खा लेंगे, बचेगी पापा को देने से बचेगी तब खा लूँगी। और इसको प्यार से हम लोग लैला मजनू बुलाते हैं, लैला मजनू मतलब बैंगन और पोटैटो। और घी भी ऑलमोस्ट होने ही आया है, इधर सब्जी पक रही है और यहाँ पर राइस। तो अभी घी बन चुका है और इसमें ऐड करना है, ठंडा भी हो गया है तो अभी सब काम कर लिया है दोपहर का, और अभी स्कूबी को वॉकिंग पर ले जाने का टाइम भी हो गया है। तो अभी मैं घर पे आया हूँ और थोड़ा आरती की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, देखो काला मुंह हो गया है, क्या हो रहा है तेरे को? गले में दुख रहा है। उसको गले में खरर हो गई है, खरर पड़ गई है, खरर मेलन खा रही है। पापा को भी खानी है। अभी पापा को भी खानी है और ये मैडम का मूड पड़ गया है, क्योंकि अभी घर पे अकेली है, मम्मी नहीं है, तो घर पे उसको दिक्कत आ रही है अकेलेपन में। क्या दिक्कत आ रही? दिक्कत है कुछ नहीं, पन अकेले को पसंद नहीं है ना, बोलने वाला चाहिए ना आपको साथ में, अकेले हो गया ना इसलिए थोड़ा मुंझवण में आ गई है। तो अभी थोड़ा थोड़ा स्माइल दे रही है ब्लॉग में, अभी तो थोड़ी देर बाद मुंह दिखा होता तो कालापन हो गया था छोटा वाला। तो अभी आज कप भी तोड़ा है घर पे, दो कप, कितना कप? दो कप दो अभी को दो कप तोड़ दिए, क्योंकि हाथ की कैपेसिटी चली गई है उसकी, नया लाना है ना इसलिए पुराना तोड़ दिया है। देखो कप भी तोड़ दिया। तो अभी मस्त मलन खाने के लिए रेडी है मैडम जी, देखो मस्त है, मस्त मेला।
देखो अभी मस्मेल का टेक्सचर देखो, बढ़िया सा टेक्सचर आ रहा है। तो अभी सब लोग खाएंगे और इस मैडम को अभी दवा खाने के जाने का है कि नहीं जाने का है? अभी पता तो चले क्या हो रहा है, बाद में जाएंगे। तो अभी पूरा शरीर दुख रहा है इसका, तो अभी देखते हैं। तो अभी खाना पीना शुरू हो गया बनने के लिए, तो अभी मैं घर पे आया हूँ और खाने में बन रहा है क्या, झिंगी पार्सल। तो आज झिंगी पार्सल बन रहा है, मैडम बना रहे हैं। यहाँ पनीर के स्टॉक बना दिए है और झिंगी पार्सल के लिए अभी यहाँ बेला जा रहा है। और डो भी घर पे ही बनाते हैं हम ब्रेड का, देखो बढ़िया सा डो बना दिया है आरती ने। तो अभी आपको रेडी हो गए तब दिखाएंगे, अभी ओवन में रखेंगे। तो अभी यहाँ बेले हुए उसके ऊपर जा रहा है 1000 थंडर सॉस, और डालने की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि वो डालती है ना इसलिए, तो इसमें चीज़ डालना होता है। चीज़ तो निकाला नहीं, वो पूरा हो गया है वो चीज़, ये वाला चीज़। तो अभी मोजरेला चीज़ भी ख़त्म हो गया है, तो अभी आज डालने वाले हैं ये प्रोसेस चीज़। तो मोजरेला चीज़ बोलने देना चाहिए ना, तो लेके आते डीमार्ट से। तो अभी पापा को स्पाइसी चाहिए, तो उसके लिए मिर्च भी कटिंग कर दिए और वो भी डाल रही है उसमें। हमारे में नहीं डालने का भाई, इसलिए ऊपर से हमको स्वाद नहीं पसंद, हम देसी नहीं है, हम अच्छे तरह से खाने वाले आदमी है, तो इसलिए तो इसमें ऐड कर रही हूं पहले। तो अभी उसके ऊपर पनीर वाला जो मसाला बनाया हुआ है वो जाएगा, तंदूरी वाला पनीर तंदूरी। बाद में उसको पॉकेट की तरह पैकिंग हो जाएगा, आपको दिखाएंगे। तो अभी चीज़ जा रहा है इसमें क्या, और स्प्रेड वाला स्प्रेड वाला चीज़ डाल दे या नहीं डालना होता वही अच्छा रहेगा। पापा को वो पसंद नहीं है, ये पापा के लिए डाल दिया, आप में लगा दूंगी वो वाला। तो अभी देखते कैसा बन रहा है। देखो अभी चीज़ भी डाल दिया है, तो अभी प्लेटिंग में बटर लगाएंगे, बाद में उसके ऊपर ये रखेंगे पॉकेट झिंगी पार्सल रखेंगे। तो अभी देखो उसको पैकिंग कर रही है, पॉकेट बना रही है किंगी पार्सल। ये तो समोसा जैसा हो गया भाई, इतना बड़ा नहीं, छोटा छोटा बना तो पॉकेट लगे अच्छा, बाहर निकल जाएगा। देखो अभी इतना छोटा है ना, बाद में वो ओवन में से आएगा ना बाहर, तो फूल बड़ा हो जाएगा, फूल के बड़ा हो जाएगा। अभी ब्रेड अच्छे से बन जाएगा ये, तो अभी वो प्लेटिंग में जा रहा है, बाद में ओवन में भी जाएगा, तो आपको दिखाएंगे। तो अभी देखो फाइनली ओवन में रख दिया है बेक होने के लिए। तो अभी कितना मिनट बेक होगा ये, 10 मिनट। अभी 10 मिनट बेक होगा, बाद में रेडी होके बाहर आ जाएगा, तो आपको जब रेडी होगा 10 मिनट के बाद वो आपको दिखाएंगे। तो अभी यहाँ बेला जा रहा है, इसमें से 4 पीस होगा पूरा बेला जाए के बाद में उसमें 4 पीस करके उसको स्टफिंग करेंगे। देखो अभी कितना छोटा था, अभी पूरा बैक होके बड़ा वाला हो गया है, आपको अभी फाइनली दिखाऊंगा पूरा बैक हो जाए बाद में। अभी ये टूट गया है अगर हैंडल, इसलिए पकड़ने में दिक्कत हो रही है, गर्म होता है ना इसलिए वो टूट गया है। ओवन बुड्ढा हो गया है, अभी ओवन बुड्ढा हो गया है, नया लेने वाले लेना है,
अभी कभी इसका मुहूर्त आएगा, पूरा बिगड़ जाएगा ना, बाद में मुहूर्त आएगा ऐसा लग रहा है। देखो अभी फाइनली ओवन से निकल दिया है, बेक हो गया है फाइनली। देखो ओ थोड़ा थिक स्नैक, देखो बड़ा हो, देखो ओ बहुत गर्म है भाई, गर्म गर्म। देखो अभी ये इसके जैसा जम्बो रख दिया है, वो एक में बट्टी हो जाएगी, इसीलिए एक खाएगी और बट्टा पड़ जाएगा सब। अभी ये भी रेडी हो गया है, तो अभी हम लोग ने खाने के लिए बैठ। अभी मैं खाने के लिए बैठ गया हूँ और आरती अभी बना रही है उसके लिए और मेरे लिए। अभी दो बना दिया है और पापा ने तो खा लिया है, तो अभी आपको टेस्ट करके बता रहा हूँ। ब्रेड एकदम सॉफ्ट बना हुआ है, देखो अभी ब्रेड भी एकदम सॉफ्टनेस है। और बता रही है अभी कब कैसे फोड़ा है, वो रीज़न बता रही है। अभी मूड में आ गई है, तबीयत अच्छी हो गई ऐसा लग रहा है। तो कैसे फूटा, तो अभी दूसरा भी बन के रेडी हो गया। आरती ने तो ये कितना सारा बड़ा बना दिया है, अभी गरम कितना लगेगा और उसको कटिंग कर रही है। क्या सब चप्पू लग गया गरम, तो अभी वो भी खाने के लिए बैठ चुके हैं। और मेरे लिए थम्स अप लिमका भी आ गया है और उसके लिए बटर मिल्क। तो अभी हम दोनों साथ में बैठ के खाएंगे, आज जो थोड़ा उसका मूड नहीं है, तबीयत बिगड़ गई है, तो आज नुकसान ही भी कर दिए। कप तो थोड़ा है, दो कप तोड़ डाले। 6 साल पहले के कप थे, उसमें क्या रो रहे हो आप? हम नहीं रो रहे, अपने नुकसान ही की ऐसी बता रहा हूँ मैं, हम रो नहीं रहे। आप दूसरा दो तोड़ डालोगे तो भी आपको कुछ नहीं बोलेंगे। अभी ये रिव्यू दे रहा है इसका, क्या बोल रही है तू? बहुत ही मस्त बनी है मम्मी, मैंने आपके जैसी ही बनाई है आज तो। मम्मी को देख लेना, मम्मी ये तेरे को बता रही है, अच्छी तरह से बनाया, एकदम सॉफ्ट बनाया ब्रेड और अंदर एकदम मस्त स्टफिंग भी बना हुआ है, इसलिए अच्छा लग रहा है। देखो तो अभी मम्मी है नहीं तो वो मामा के घर से देखेंगी, इसलिए अभी वो बता रही है। मम्मी तो घर पे नहीं है, हम तीन ही है, इन बीन तीन। कल वो लोग सब लोग जाने वाले मामा के घर सुबह से। आप सुबह मॉर्निंग में चले जाने का, हम तो शाम को आएंगे ऑफिस से, काम फिनिश करके 7-8 बजे आ जाएंगे। आप सुबह चले जाने का गाड़ी लेके। तो अभी हमारा ये फैमिली ब्लॉग है, तो इसमें आपको खाने पीने का और सब दिखेगा, क्योंकि आपको ज़्यादातर तो खाने पीने का ही दिखता है। तो आप सोचोगे कि ये चैनल फूड ब्लॉगर तो नहीं है, फूड ब्लॉगर नहीं, हम फैमिली ब्लॉगर हैं, ब्लॉग बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे ब्लॉग का एंड करते हैं, तो हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ढेर सारा प्यार करें, एंड सब्सक्राइब करके बाजू का बेल का बटन दबिए।